आप आके केवल आप वहां आकर ये जानकारी देंगे कि मैं चूल्हा पर हूं। ये चुनाव केवल रामगढ़ को एक प्रतिनिधि सुनीता जी मिल जाएंगी ये नहीं, ये साथ साथ आज के दिन में ताकत झोंक रहा है, हर दल अपना पूरा ताकत अजमाइश कर रहा है। अभी हमारे साथ आसू पार्टी के नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, जो यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं। आज जो चूल्हा प्रमुखों का आपने बैठक किया, ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या दिखा? ये चूल्हा प्रमुखों का सम्मेलन, और इस सम्मेलन के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जो हमारे चूल्हा प्रमुख बने, जो प्रत्येक घर तक पहुंचने का ही हमारा उद्देश्य है, और प्रत्येक वोटर तक हमारा योजना जो है, आसू पार्टी का जो योजना है उसको बताने का, और जो वर्तमान में जो सरकार है यूपीए की सरकार हेमंत सोरेन का, उसके विफलता को हर घर तक पहुंचाना है, और आने वाले समय में ये सरकार जो लोगों को ठगा है, बरगला है, इसको हर घर तक पहुँचाना है। आप बार बार मंचों से कह रहे थे कि प्रशासन के लोग भी दिक्कत कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, क्या अपने कार्यकर्ताओं से? देखिए, अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे कार्यकर्ताओं को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। कुछ अधिकारी जो चिन्हित थे, जो उनके पूर्व में जो विधायक रहे उनके चहेते, वैसे अधिकारी आज हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से उनको हिदायत देता हूँ कि आने वाले समय में यदि वो अपने आदत से बाज नहीं आए तो उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप जब कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं तो किन मुद्दों पर जाकर उनसे बोल रहे हैं कि वोट मांगो? देखिए, हम अपने कार्यकाल में जो 15 साल जो हम रामगढ़ का विकास किए, रामगढ़ को नई ऊंचाई तक पहुंचाए, और आज 3 वर्षों में सबसे निचले पायदान पर है, इसी बात को लेकर हम फिर जनता से अपील कर रहे हैं कि रामगढ़ जो जिस आशा और उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, वह बिल्कुल फेल रहा, और इस बात का सबूत है जो हमारे कार्यकर्ता जो इतना जनसैलाब उबड़ा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने आक्रोश में, और फिर से आसू पार्टी को प्रतिनिधित्व करें। आखिरी सवाल, टारगेट कितना है इस बार वोट अचीव करने का? देखिए, निश्चित तौर पिछले बार हम लोगों का गठबंधन भी नहीं हो पाया था किसी कारणवश, लेकिन इस बार हमारा गठबंधन है, हम लोग 1.5 लाख पार करेंगे। शुक्रिया। तो चांद प्रकाश चौधरी जी का दावा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार 1.5 लाख की संख्या वोट करेगी, और इसीलिए चूल्हा प्रमुखों को बुलाया गया था। दरअसल आसू पार्टी का ये कॉन्सेप्ट है, हर 10 घर पे एक चूल्हा प्रमुख होता है, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि 10 घरों को देखा जाए। अब ये एकदम बूथ स्तर से भी नीचे का कार्यक्रम है, गांव से भी नीचे का, कितना फायदा होगा इससे पार्टी को, वो तो आप भीड़ देख के अभी नहीं कह सकते, लेकिन 2 तारीख को ही ये पता चलेगा कि इसका कितना लाभ आसू पार्टी या सुनीता चौधरी को मिला। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोल।